बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स। आज आपका उर्दू का सिक्स लेक्चर है। लेक्चर फोर्थ में आपने देखा था यूनिट नंबर फोर की रीडिंग, जो कि आपने कल इसकी डन की है, और रीडिंग और अल्फाज मनी आपने मुकम्मल किए हैं। आज है आपका बुक वर्क पेज नंबर 19। नंबर वन पे है सवालात, मुख्तसर जवाब दें। इन सवालात की आपको पिक्चर्स मिलेंगी, जहाँ से देख के आपने जवाब लिखनी है। सेकंड पे है क्वेश्चन दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। अलिफ, मरी किस इलाके का एक तारीखी और पहाड़ी मुकाम है? मरी किस इलाके का तारीखी मुकाम है? पंजाब का। बे है गर्मी बढ़ते ही कौन मरी का रुख करते हैं? गर्मी के शुरू होते ही कौन लोग मरी में जाते हैं? मुख्तलिफ इलाकों के लोग। जीम पे है 19वीं सदी की तीसरी दहाई में मरी में बेस कैंप किसने बनाया? 19वीं सदी की तीसरी दहाई में बेस कैंप अंग्रेज़ों ने बनाया। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को हुई, इस जंग में मुसलमानों को किस चीज़ का सामना करना पड़ा था? नाकामी का। नेक्स्ट है, ये मेरा बुक से कट है, आपने यहाँ से देखना है। ये लिखा हुआ है मरी किसके इर्द गिर्द आबाद है? मरी एक सड़क के इर्द गिर्द आबाद है, ये यहाँ पे है। उसके बाद गर्मियों में मरी की कैसी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं? मरी की ठंडी हवाएं, मतलब हनक हवाएं, गर्मियों में लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। चेयर लिफ्ट और केबल कार सियाहों की दिलचस्पी का महवर है, महवर कहते हैं मरकज को। ये है न्यू मरी में, कहाँ पे है? न्यू मरी टिक। उसके बाद आपकी अराब हैं, अराब लगाकर दर्ज ज़ाइल अल्फाज का तलफ़ुस वाजिया करें। इन अराब की मैं आपको पिक्चर भेजूंगी, वहाँ से देख के आप अराब लगाएंगे, ताकि आपको अराब लगाने में आसानी हो। आगे जुमले हैं, जुमले जो हैं इनके नोट्स मिलेंगे, जो आपने सीवर कॉपीज के ऊपर करनी है, ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उसके बाद हैं दर्ज ज़ाइल अल्फाज के मानी लिखे। ये अल्फाज के मानी आपको कल के लेक्चर में लिखे दिए गए थे, वहाँ से देख के भी आप लिख सकते हैं। जैसे मुसाफत, फासला, स्याह, सैर करने वाला, मबहूत, हैरान, काबिले दीद, देखने के लायक, जान निसार, जान कुर्बान करने वाले। उसके बाद क्वेश्चन सेवन है दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही करें। अलिफ पे है मरी सुबह हैबर पतूनहा का तारीखी मुकाम है, गलत, क्योंकि ये पंजाब का तारीखी मुकाम है। बे गर्मियों में मरी की हनक हवाएँ अपनी तरफ खींचती हैं, टिक दुरुस्त। 1946 में कायदे आज़म लियाकत अली खान के हमरा मरी तशरीफ लाए, गलत। मरूफ व मशहूर लॉन्स कॉलेज बोरपन के मुकाम पर वाक़िया है, गलत। तहरीक पाकिस्तान में अहले मरी का किरदार नुमाया रहा है, दुरुस्त। ठीक है, ये आपके गलत दुरुस्त हैं। उसके बाद हैं दर्ज ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें, ये आप यहाँ से देखेंगे, ये आपके अल्फाज मुतसाद हैं। नंबर वन पे है बुलंद, पस्त, खूबसूरत, बदसूरत, हनक, गरम, मारूफ, गुमना, ये आपके अल्फाज मुतसाद थे। नेक्स्ट हैं आपका क्वेश्चन दर्ज ज़ैल मुहावरात का मफहूम वाजिया करें। ये आपके मुहावरात हैं, उनका मफहूम मतलब मानी वाजिया करें। कदम जमाना, साबित कदम रहना, मतलब अपनी बात पे डटे रहना। आगोश में, मतलब मोहब्बत से गोद में लेना, प्यार मोहब्बत से गोद में उठाना। तांता बांधना, मुसलसल आना जाना, लगातार आना जाना। कदम चूमना, इज्जत और एहतराम के लायक समझते हुए उस्ताद मानना, मतलब तरक्की मिलना या इज्जत मिलना। ये थे आपके मुहावरात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कालिम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालिम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। कालिम अलिफ और कालिम बे मुतलका अल्फाज के उससे मिलते जुलते। मरी तारीखी मुकाम, लड़ाई, जंग, चढ़ाई, बुलंदी, स्नोबर, दरहत, मगन, मशहूर, ये थे आपके कॉलम। इसका बुक वर्क जो है, ये मैंने अभी जो आप करवाया है, आपने अपनी बुक्स पे सॉल्व करना है और इसको आपने याद भी करना है।